प्रभु 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 अपने नेत्र खोलिए प्रभु प्रभु जागिए प्रभु अपने नेत्र खोलिए स्वामी अपने अर्धांगिनी के व्यथा का समाधान आप नहीं तो और कौन करेगा स्वामी मेरी विनती स्वीकार कर अपने नेत्र खोलिए प्रभु प्रभु स्वामी प्रभु उठिए पार्वती हमारे समीप बैठे क्या हुआ पार्वती आपका मन इतना विचलित क्यों है आप तो सर्वज्ञाता है नाथ आदि से अंत तक सबका बोध है आपको फिर भी आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं प्रभु हमारी व्यथा वो स्वप्न है जो बार बार आकर हमारे मन को विचलित करता है अग्नि की ज्वाला में लिपटी हुई हमारी काया को लेकर आप ब्रह्मांड में खड़े हैं और रौद्र रूप से द्रवित हो आप हमें पार्वती नहीं बल्कि सती सती पुकारते हैं बताइए देव क्यों ये स्वप्न हमें बार बार आते हैं देवी ये मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब सही समय आएगा तो मैं इस स्वप्न का सत्य आपको अवश्य बताऊंगा प्रभु हमारे धैर्य की अब और परीक्षा मत लीजिए प्रभु हम इससे पहले भी आपसे कई बार अपने स्वप्न के बारे में पूछ चुके हैं किंतु आपने कभी भी हमारी शंका का समाधान नहीं किया ऐसा क्या सत्य है जो आप हमें बताना नहीं चाहते देवी क्या आपको हमारी मंशा पर संदेह हो रहा है क्षमा चाहते हैं प्रभु किंतु अब इस स्वप्न का रहस्य हमसे और सहन नहीं हो पाएगा आखिर कौन है ये सती और उसका आपसे क्या संबंध है हर समय ये प्रश्न हमारे अंतर मन को झिंझोड़ता रहता है आज तो आपको हमें ये सत्य बताना ही होगा प्रभु अन्यथा अन्यथा क्या देवी अन्यथा हम आज के बाद आपसे कभी कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे फिर चाहे ये स्वप्न हमें कितना ही दुख क्यों न दे आपको दुखी नहीं देखना चाहते कहिए क्या जानना चाहती हैं आप ये दृश्य बार बार हमारी आंखों के समक्ष क्यों भरता है प्रभु सत्य क्या है ये हमारा स्वप्न है या कोई मिथ्याभास सती से आपका क्या संबंध है देवी सती से वही संबंध है जो आपसे है
वही संबंध है जो हमसे, अर्थात हाँ उमा, सती मेरी पहली पत्नी थी। पहली पत्नी थी? तो फिर स्वप्न में हम स्वयं को क्यों देखते थे? देवी, आप अपने स्वप्न में जो कुछ भी देखती हैं, वो आपके पूर्व जन्म की स्मृतियां हैं। हमारे पूर्व जन्म की स्मृतियां? हाँ। सती कोई और नहीं, अभी तो आप ही। प्रभु, ये रहस्य सुलझने की जगह और उलझता ही जा रहा है। हमारी उत्सुकता और बढ़ रही है प्रभु। देवी, अपने पूर्व जन्म के सत्य को जानने से पहले आपको इस ब्रह्मांड के आधार शक्ति के रहस्य को समझना होगा। इस सृष्टि, इस ब्रह्मांड का आधार आदि शक्ति ही है। चर अचर, जीव अजीव, आकार प्रकार, अर्थात इस ब्रह्मांड में जो भी स्थित है वो शक्ति की ऊर्जा से ही उत्पन्न हुआ है। सृष्टि के आरंभ के समय, जब पृथ्वी पर जल के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की ऊर्जाएं अपने निराकार रूप में संसार में घूम रही थी। कुछ समय के पश्चात पूरी शक्तियों के प्रभाव से मधु और केटप नामक दो असुरों का जन्म हुआ। आदि शक्ति की सहायता से नारायण ने उनका संहार किया। आदि शक्ति ने उनके खंडित शरीर से थरा का निर्माण किया। और इस कारण जल से भरे संसार में पृथ्वी का निर्माण हुआ। आदि शक्ति ही इस संसार का मूल तत्व है। इस संसार का मूल तत्व? ये कैसे संभव है प्रभु? शक्ति को धारण करने वाले आप हैं, शक्ति का प्रेम भी आप हैं, यहाँ तक कि शक्ति को पति के रूप में प्राप्त भी आप ही होते हैं। तो फिर आधार कौन है, शक्ति या आप? देवी, मैं शक्ति को धारण नहीं करता, अपितु शक्ति मुझे धारण करती है। शक्ति के बिना ये शिव भी शक्ति समान है। जब शक्ति मुझे धारण करती है, तभी मैं शिव होता हूं, तभी सृजक होता हूं, और तभी मैं विध्वंस शक्ति होता हूं। अर्थात इस संसार में शक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। बात सर्वश्रेष्ठ होने की नहीं है, अपितु सहयोग और एक दूसरे का पूरक होने की है। स्त्री और पुरुष, शिव और शक्ति दोनों मिलकर इस संसार का संचालन करते हैं। स्त्री एक कल्प वृक्ष की भांति इस संसार का कल्याण करती हैं, और पुरुष उनका पोषण और सुरक्षा। एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं। स्वामी, आदि शक्ति का रहस्य तो मैं समझ गई, किंतु इन सब से सती का क्या संबंध है? ये उस समय की बात है देवी, जब असुरों के आतंक से पृथ्वी त्राही त्राही कर रही थी, तब आदि शक्ति ने अनेक असुरों, महिषासुर, रक्तबीज, चंडमुंड, शुम्नेशम आदि का वध कर संसार को पाप मुक्त किया। आया जब आदि शक्ति ने इस पृथ्वी को असुर विहीन बना दिया,
और जो शेष बच गए उन्होंने पाताल लोक में छिपकर अपनी जान बचाई। इसके बाद मनुष्यता का विकास तेजी से होने लगा और पूरे संसार में मनुष्य की प्रवृत्ति पर नियंत्रण करने के लिए ब्रह्मा के पुत्र दक्ष को मनुष्यों का राजा बनाया गया। परंतु समय के साथ साथ दक्ष का घमंड इतना बढ़ गया कि उसने स्त्री शक्ति को पूरी तरह नकार दिया। प्रजापति दक्ष की, प्रजापति दक्ष की, प्रजापति दक्ष की, प्रजापति दक्ष की, प्रजापति दक्ष की। माननीय सभा सदो, मेरे द्वारा शासित इस संसार में हर प्राणी के दो प्रकार हैं, स्त्री और पुरुष। किंतु इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है, इसका उत्तर इन दोनों में कोई नहीं दे पाया। मैं प्रजापति दक्ष आज जो नियम बनाने जा रहा हूं वो हमारे समाज की नींव बनेगा। मैं घोषणा करता हूं कि इस संसार में पुरुष स्त्री से श्रेष्ठ है। पुरुष बुद्धिमान है, पुरुष शक्तिशाली है और स्त्री निर्बल है, अबला है। स्त्री का जीवन पुरुष के अधीन है, उसे उसकी इच्छा अनुसार जीना चाहिए, इसी में उसका सम्मान है और इसी में उसका कल्याण है। मैं आज ही अपनी प्रजा को आदेश देता हूं कि वह हर कार्य में और हर सामाजिक व्यवस्था में पुरुषों को प्रधानता दे। अहंकार वश दक्ष प्रजापति ये भूल गए कि स्त्री ही जननी है और पालक भी, और इस संसार में स्त्री शक्ति को नकारना असंभव है। जब आदि शक्ति ने दक्ष के अहंकार को देखा तो वह समझ गई कि उसका यह अहंकार असुरी प्रवृत्ति से कहीं अधिक घातक है और इस अहंकार का संहार अति आवश्यक है। सौभाग्य है तुम्हारा कि तुमने दक्ष के परिवार में जन्म लिया। मेरा अंश है तुम, इसलिए यह संसार तुम्हें दक्षायनी के नाम से पुकारेगा। तुम्हारा एक नाम और होगा, सती। सती, सती। महादेव, यदि दक्ष स्त्री के विरुद्ध थे तो उनके घर में जन्मी उनकी पुत्री का क्या हुआ? पार्वती, किसी और कारण से आया बदलाव अल्पकालीन होता है। एक बेटी ही होती है जिसे पिता सबसे अधिक प्रेम करता है, और एक बेटी जो चाहे अपने पिता से मनवा सकती है। तो फिर देवी सती ने अपने पिता दक्ष को कैसे समझाया? मुझे प्रसन्नता है कि मेरे बनाए हुए नियमानुसार इस संसार की स्त्रियां पुरुष की अधीनता स्वीकार कर रही हैं। और हो भी क्यों ना, पुरुष ही तो स्त्री का भरण पोषण करता है, और पुरुष के सहारे के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं। नहीं पिताश्री,
आपकी ये धारणा गलत है पिताश्री। स्त्री अपने आप में परिपूर्ण और संपन्न है, पुरुषों की छाया नहीं, उसकी सहगामिनी। इसीलिए तो उसे शास्त्रों में अर्धांगिनी कहा गया है। स्त्री पुरुषों की तुलना में किसी भी रूप से कम नहीं। बेटी सती, तुम अभी अबोध हो, तुम्हें अपनी दुर्बलता का ज्ञान नहीं। स्त्री तो पुरुषों की भी जननी है, तो फिर वो पुरुषों से दुर्बल कैसे हुई पिताश्री? ये प्रकृति का नियम है। वही विचार तो योग्य है पिताश्री। यदि स्त्री दुर्बल होती तो प्रकृति वंश वृद्धि के लिए स्त्री का ही चुनाव क्यों करती और पुरुषों को इस आशीर्वाद से वंचित क्यों रखती? सती, तुम्हें इन सब की समझ नहीं है और ना ही ये वाद विवाद का विषय है। तुम शांत रहो, मेरा बनाया नियम अटल है। अब दक्ष का अहंकार इतना बढ़ चुका था कि उसे सती की बातें समझ नहीं आई। फिर आदि शक्ति ने संसार में लीला करने के लिए दूसरा मार्ग चुना। क्या था वो मार्ग प्रभु? किसी ने सत्थी कहा है कि रूप की धूप में तप और ब्रह्मचर्य दोनों की आंखें चौंधिया जाती हैं। किस कोटि के योगी हो तुम शिव? तुम्हारी साधना ने इस नश्वर यौवन के आगे अपने घुटने टेक दिए हैं। पिताश्री, आप ये क्या कह रहे हैं? शांत हो जाओ, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं सती। मैं तुम्हारे इस महादेव से बात कर रहा हूं। बोलो शिव, ब्रह्मचर्य का परित्याग कर अब तुम गृहस्थ जीवन का पालन कर रहे हो। पालन पोषण कैसे करोगे तुम अपनी पत्नी का? जिसके न सर पे छत है न बदन पर कोई वस्त्र, जिसके भूत पिशाच संगे साथी हैं, वो कैसे अपनी पत्नी की देखभाल करेगा? भूल गए हो तो स्मरण करा दूं, जिसे तुम वरमाला पहना कर लाए हो, जिसके पति बने बैठे हो, वो तुम्हारी तरह दर दर की ठोकरें खाती नहीं फिरती है। राजकुमारी है वो, राजकुमारी रासी ठाट बाट के साथ रहती है। बस कीजिए पिताश्री, मैं राजकुमारी थी पर अब मैं महादेव की अर्धांगिनी हूं। महादेव को घोर तपस्या कर उन्हें मैंने अपने पति के रूप में पाया है और इस सौभाग्य के समक्ष इस संसार का कोई भी सुख फीका है पिताश्री। ये तुम क्या कह रही हो सती? तुम्हारे इस अघोरी पति के समक्ष तुम्हारे पिता द्वारा दिया हुआ ऐश्वर्य नागण्य है? नहीं पिताश्री, भविष्य का मुख तो भूतकाल के हाथों ही बनाया जाता है। आप और ये राजमहल मेरा अतीत है, परंतु मेरा भविष्य
केवल मेरे महादेव हैं। इन्हीं से मेरी गति है और इन्हीं से मैं पूर्ण होती हूँ पिताश्री। मैं सिर्फ तुम्हारा भूतकाल नहीं हूँ सती, तुम्हारा अस्तित्व है मुझसे। याद रखो, जन्म देने वाले से बड़ा तो ईश्वर भी नहीं होता है। सर्वश्रेष्ठ तो सदा पूजनीय है, तो जन्मदाता ही होता है। सर्वश्रेष्ठ और सदा पूजनीय तो केवल और केवल शक्ति ही होती है। हम सब यहां तक कि आप भी उसी की रचना है। वो तो केवल माध्यम है, आरंभ तो पुरुष है शिव, और मुझे तुम्हारी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। शक्ति ही आदि है, शक्ति ही आरंभ है, और अंत भी शक्ति ही है। शक्ति ही जननी है और शक्ति ही रक्षक है। सर्वशक्तिमान केवल शक्ति ही है। ये तुम्हारे ज्ञान का गुरुकुल नहीं है, और ना ही तुम्हारा शमशान है, ना ही मुझे तुम्हारा शिष्य बनने की कोई आवश्यकता है। तुम इसी वक्त यहां से चले जाओ और दोबारा इस राजमहल की सीमा रेखा पार करने का साहस मत करना। मैं भी देखता हूं कि तुम कितने दिन निर्वाह कर पाती हो इस अघोरी के साथ। इस घटना के उपरांत सती मेरे साथ कैलाश निवासिनी हो गई और हम दोनों सुख पूर्वक रहने लगे, किंतु दक्ष अपने अहंकार वश इस बात को सहन नहीं कर पा रहा था कि उसकी बेटी अपने पिता की आज्ञा का अनादर करके आनंद और सुखमय जीवन कैसे व्यतीत कर सकती है। महादेव, पिताश्री ने महायज्ञ का आवाहन किया है जिसमें समस्त देवतागण, ऋषिगण, यक्ष, गंधर्व इत्यादि समस्त संसार को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। हम भी आपके साथ उस महायज्ञ में सम्मिलित होना चाहते हैं, चलिए ना। नहीं देवी, दक्ष ने इस महायज्ञ में ना आपको और ना ही हमें आमंत्रित किया है, और ऐसे स्थान पर कदापि नहीं जाना चाहिए जहां का निमंत्रण आपको ना मिला। एक पुत्री को अपने घर जाने के लिए किसी आमंत्रण की क्या आवश्यकता महादेव, वो तो अपने पिता के घर कभी भी आ जा सकती है। सत्य है देवी, परंतु आप अपने पिता की मंशा को समझ नहीं पा रही। यदि आप वहां पर गई तो आपका अपमान भी हो सकता है, और हमारी अर्धांगिनी होने के नाते आपका अपमान हमारा अपमान है। किंतु उस महायज्ञ में हमारी उपस्थिति न होना भी तो हमारा अपमान ही है महादेव, फिर ऐसे अपमान को हम कैसे सह लें? नहीं देवी, हम आपको उस महायज्ञ में जाने की अनुमति नहीं दे सकते।
अपितु इस संसार की रक्षा भी हूँ। मेरा जन्म दक्ष के घर किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ था, जिसके लिए मेरा उस यज्ञ में जाना अत्यंत आवश्यक है। यदि आपने मुझे उस यज्ञ में जाने की अनुमति ना दी, तो आप भी उस अहंकारी दक्ष प्रजापति की ही विचारधारा का समर्थन करते हैं, जो स्त्री शक्ति को पुरुषों के अधीन समझता है। कैसी हो तुम? सती, तुम यहां? मुझे अत्यंत दुख हो रहा है कि तुम अकेली आई। कहाँ है वो तुम्हारा ढोंगी महादेव? पिताश्री, कृपा करके अब शब्द न कहिए उनके लिए। आमंत्रण के बिना आने से उन्होंने मना कर दिया। और तुम चली आई बिना निमंत्रण के? लज्जा नहीं आई तुम्हें तलिक भी? अपने पिता के घर आने में कैसी लज्जा पिताश्री? अर्थात एक बार फिर तुम अपने पति की इच्छा के विरुद्ध यहाँ चली आई। आज तुमने ये साबित कर दिया कि तुम्हें जीवन देना हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। हमारी इच्छा के विरुद्ध तुमने विवाह किया और मेरी प्रतिष्ठा को अग्नि में स्वाह किया, और अब अपने पति के बिना तुम यहां चली आए बिना निमंत्रण के। प्रेम तो लज्जा और प्रतिष्ठा से बढ़कर होता है पिताश्री। मैं तो आपके और माताश्री के प्रेमवश यहाँ बिना निमंत्रण चली आई। कृपया इसे मेरे उद्दंडता कह के इसका अपमान न करें। मीठी वाणी बोलकर तुम मुझे मोह नहीं सकती सती। सत्य क्यों नहीं कहती? उस आघोरी पाखंडी शिव से जो तुमने विवाह किया था, वो जो भूल तुमने की थी, उसका बोध तुम्हें हो चुका है, और इसी कारण तुम उसके बिना यहां चली आई। तुम्हें क्या लगता था मैं तुम्हें फिर से वही वैभव और वही सुख प्रदान करूंगा जो पहले करता था? कदापि नहीं। वो भूल है तुम्हारी। भूल तो आपने की है पिताश्री, मेरे महादेव को, मेरे आराध्य को कम आंक कर। मैं अपने महादेव के साथ किसी महल की नहीं, संपूर्ण कैलाश की स्वामिनी। आपका दिया हुआ सुख और वैभव मेरे महादेव के दिए हुए प्रेम और सम्मान के आगे कण मात्र भी नहीं पिताश्री। तो क्यों आई हो यहाँ? मैंने तो तुम्हें उसी दिन मृत्यु मान लिया था जिस दिन तुम उस अघोरी के साथ आकर मुझे लज्जित करके चली गई थी। मुझे और इस यज्ञ स्थल को तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता तो केवल मेरी ही है पिताश्री। कदा
प्राचीन इस यज्ञ का उद्देश्य ही मैं हूँ, और आज आपके इन आंखों पर चढ़े इस अहंकार के पर्दे को उठाकर एक और सत्य कहना चाहती हूँ। मुझे जन्म देना आपके अधिकार में नहीं था पिताश्री, ये तो मेरा चयन और मेरा उपकार था कि मैं आपकी पुत्री बनी, किंतु अब मुझे आपका ये मिथ्या उपकार स्वीकार्य नहीं है पिताश्री, और आपका दिया हुआ ये मिट्टी का शरीर भी कदापि स्वीकार्य नहीं है। इसलिए आज आपके इस महाहवन कुंड में महा आहुति होगी। आपका महायज्ञ अब मेरे शिव की आहुति से ही आरंभ भी होगा और अंत भी। देवता, मैं महादेव भार्य सती आपका आवाहन करती हूँ कि कृपया मुझे अपने अंदर समाहित कर ले, ताकि इस अहंकारी दक्ष के दिए हुए शरीर से मुक्ति पा सकूं। इस प्रकार स्त्री को अपना अधिकार दिलाने के लिए सती ने, अर्थात आपने अपने आप को अग्नि में समर्पित कर दिया। परंतु प्रभु, आत्मदाह कर सती ने दक्ष का अहंकार कैसे नष्ट किया? आपके चट्टानों से चंद्रमा, आपका भैरव, मैं वीरभद्र आपको नमन करता हूं। क्या आज्ञा है महादेव? वीरभद्र दक्ष के यज्ञ को भंग करता, इसका वध कर अहंकार को दमन करो, मृत्यु को ऐसा तांडव करो जिससे तीनों लोग त्राहिमाम त्राहिमाम करें। जाओ वीरभद्र, नाश कर दो उसका।
हो तुम? मैं तेरा सर्वनाश हूं दक्ष, तुझे तेरे पापों का दंड देने आया हूं। तूने स्त्री का अपमान कर स्वयं आदि शक्ति महेश्वरी का अपमान किया है। वो शक्ति जो इस समस्त संसार को चलाती है, वो शक्ति जो इस ब्रह्मांड की रचयिता है, वो शक्ति जो पुरुष को जन्म देती है। तूने ये कैसे सोच लिया कि पुरुष स्त्री का स्वामी हो सकता है? वो तो केवल स्त्री का सहायक और रक्षक है।